हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो हम भी एकदम वेल एंड गुड है। सो आजकल मुझे ना ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो मुझे जितना भी ये छोटा सा ब्लॉग बनाने का टाइम मिला मैंने बना दिया। सो आप लोग ये मत सोचना कि ये सब खाना खा रहे हैं तो शादी तो बाद में, खाना पहले ही क्यों खा रहे हैं। तो आज मैं आपको बता दूँ, लास्ट ईद चाँद था हमारे घर में, तो बस हमने खाना बनाया था सबके लिए। हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, खाना बनाते हैं, सबको बोलते हैं आस पड़ोस वालों को। और यहाँ पे मैं चाची को दिखा रही थी, चाची कह रही थी कि मैं पहले ही इतनी मोटी हूँ और मुझे और मोटा कर दिया इतना ज़्यादा खाना दे के। यहाँ पे आप देख सकते हो मम्मी खाना दे रही है और हमने क्या क्या बनाया है। यहाँ पे भात बनाया है, छोले बनाए हैं, दाल बनाई है और रायता है, बाकी आलू के गुटके हैं और पूरी, और जिसको रोटी खानी थी उसके लिए हमने रोटी भी बना रखी थी। और यहाँ पे ईशु ने भी पूरी वगैरह बना दिया और बैठ गए यहाँ पे अक्षु को लेके, क्योंकि अक्षु बार बार इधर आ रहा था तो दोनों अक्कू और ईशु मौसी उसका खेलने लग गए थे। फिर उसके बाद हमारे घर में आई है कि लाल परी, की प्यारी सी बच्ची, ये सबसे लास्ट में आई, तो इसने बोला मुझे ना थोड़ा सा दे दो, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। और यहाँ पे आप अक्षु को देखो, इसने सारे फूल ना तोड़ दिए। अक्षु ये देखो, यहाँ पे ना अक्षु के पैरों में गिरे हुए हैं, तो इसे सारे फूल तोड़ दिए। मतलब यहाँ पे ना ये खेलने के लिए आया था, साइड में देखो बॉल रखी हुई है, बॉल से खेला ही नहीं, सारे फूल तोड़ दिए। मम्मी ने ये इसलिए नहीं निकाला कि चलो यार फूल वगैरह काम आ जाते हैं तो इसको रहने देते हैं। मम्मी को क्या पता था, मम्मी का नाती आएगा सारे फूल तोड़ देगा। सारे तो नहीं तोड़ पाएगा पर चलो अभी खेल रहा है तो फिर मैंने तो चलो यार साइड साइड के निकाल देगा थोड़ा। अक्षु बहुत खुश हो रहा है, क्या है ये, क्या है ये? अक्षु अक्षु इधर देखो, पहले फूल इधर देखो, मामा को बताओ पहले क्या है ये। अक्षु फूल फूल बोल भी रहा है, फूल फूल अक्षु फूल फूल, इतनी खुशी किस बात की हो रही है, हैं? और वहां नीचे ना उस पत्थर में कुछ बैठा हुआ है, बट मुझे ना समझ नहीं आ रहा वो है क्या, उल्लू है क्या है, बहुत बड़ा भी है। तो मैंने ना काजल को बुलाया, काजल इधर आ तो जरा बता तो जरा क्या है वो, देख यार बैठूंगा पर क्या हो वो बेड, ईगल ओ एम जी, मैं सोची मोर मुड़ तो नहीं कहे, मैं सोच पहले उल्लू दिख नहीं रहा ना पर यहाँ से। हाँ ये यहाँ पे इस पत्थर में बैठा हुआ है और यहाँ ऐसा तो बड़ा नहीं लग रहा लेकिन बहुत बड़ा है। फिर ना अक्षु खेलने लग गया था काजल मौसी के साथ और इतना खुश हो रहा था ना फूल तोड़ते टाइम कि क्या ही बताया, ऐसा लग रहा था उसे पता नहीं क्या ही मिल रहा है। जैसे अभी देखना आप इतना उछल कूद कर रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे मस्तू लेके आई थी अक्षु के लिए क्रीम वाला बन, मैंने भी पहली बार खाया, बहुत टेस्टी हो रहा था, अक्षु को भी अच्छा लगा। उसको फिर जितना नहीं खाना था उतना उसने ईशु मौसी को खिला दिया, और जो नहीं खा रहा था ना उसको जबरदस्ती खिला रहा था। और ये देखो दोनों ऐसे बैठ गए यहाँ पे जैसे कि बस ये अंदर बाहर जाना सबको मना ही हो गया। सीधे बैठो, सीधे बैठो, ऐसे कौन बैठता है, चल मैं चल रही हूँ, मैं चल रही हूँ। सभी हम खा रहे हैं मिठाई और आप लोग ये मत सोचना कि हम परसों का डब्बा हम वही चला रहे हैं, इसमें से मतलब दो टाइम की ना मिठाई आ गई है ना ईशु। आज हमारे दूसरे जवाई जी ने डब्बा भिजवाया, जरा मान ले कायर वाली मिठाई। और यहाँ पे फाइनली दुल्हन होने वाली दुल्हन की पैकिंग हो रही है, हमने बोला जा भाई तू फटाफट जा, तो बस मस्तू ने भी शुभारंभ किया पहले स्वास्तिक से और फिर क्या टीका वीका लगाया उसने, भरे उसने अपने सूट साड़ी जो जो उसको चाहिए था
हमने तो उसको अभी भगा दिया, हमने बोला शादी तक कौन वेट कर रहा है तेरा यहाँ पे, तो चल जहाँ से अभी चली जा। बट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, बस मस्तों को अपनी पैकिंग करनी थी, तो बस मैंने फिर सोचा कि चल तू अपनी पैकिंग कर, मैं तेरी वीडियो बनाती हूँ। अरे देखो मस्तू ने यहाँ पे कितने अच्छे से अपने सूट पैक करे, हमें तो इतनी अकल थी नहीं, हमने तो भाई साहब अपने सूट ऐसे रखे जैसे कि बस दोबारा पहनने ही नहीं है। अच्छा, और फाइनली वस्तु की पैकिंग सैकिंग भी हो गई थी, और उसके बाद किया हमने सूट केस बंद, अपनी आंखें बंद और सो गए थे। तो गाइस मिलते हैं कल के व्लॉग में, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, तो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना।